हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्टडी। आज मैं हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का क्वेश्चन पेपर डिस्कस हम करेंगे, जिसका पोस्ट कोड है 721। JBT का ये एग्ज़ाम था, इसमें हम जनरल नॉलेज डिस्कस करेंगे। ये आज ही कंडक्ट किया गया है 12 मई 2019 को। सो ये पार्ट वन है, इसमें मैं जनरल नॉलेज डिस्कस करूँगा और पार्ट टू में मैं मैथमेटिक्स डिस्कस करूँगा। पार्ट टू भी मैं शाम तक इसका अपलोड कर दूँगा। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर इस वीडियो में कोई क्वेश्चन गलत लगे आपको तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन 36 हमारे पास हिमाचल जी के स्टार्ट होती है। द हाईएस्ट पीक, क्वेश्चन नंबर 36, द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश लाइज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का सर्वोच्च शिखर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आता है? तो ऑप्शन ए है लाहौल स्पीति, कुल्लू, किन्नौर और शिमला। तो ये जो हाईएस्ट पीक है हिमाचल का वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में आता है। सो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। इंद्रहार पास इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज ऑफ हिमाचल प्रदेश। इंद्रहार दर्रा हिमाचल प्रदेश की किस पर्वतमाला में है? ऑप्शन ए है पीर पंजाल, जास्कर, धौलाधार और शिवालिक। सो जो इंद्रहार है वो है धौलाधार श्रेणी में। सो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सो क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, टोंस रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। टोंस नदी हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है? सो यमुना, ब्यास, चेनाब और रावी। तो यमुना इसका करेक्ट आंसर है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, द लेडी ऑफ केलोंग इज एक द लेडी ऑफ केलोंग क्या है? स्थानीय हस्तकला, लोक नृत्य, पर्व शिखर और हिमनद। तो मैं बता दूँ ये एक ग्लेशियर का नाम है लेडी ऑफ केलोंग, तो इसका डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट अर्थ फिल डैम ऑन द ब्यास रिवर इन HP? पोंग डैम, गुरु गोविंद सागर, पंडो डैम या नानवदेव। तो जो हाइएस्ट अर्थ फिल डैम है हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पे, वो है पोंग डैम। सो 40 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 41, विच कंट्री एडिड द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश टू स्टार्ट द स्वान रिवर फ्लड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। ऑप्शन है जापान, USA, जर्मनी और रशिया। तो अभी इस क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर हमें नहीं मिला है, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस करें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, सेंचुतवान नाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में किस जिले में सेंचुतवान नाला वन्य जीव अभयारण्य है? ऑप्शन है मंडी, कुल्लू, ऊना और चंबा। तो ये सभी को ही पता होगा, ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में पता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 43, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ नो एरिया अंडर द एप्पल कल्टिवेशन। हिमाचल प्रदेश में किस जिले में सेब की कृषि नहीं होती है? कुल्लू, शिमला, सोलन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है सोलन, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, HP स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वॉज कंस्टिट्यूटेड इन विच ईयर। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की रचना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1975, 1978, 1983 या नानवदेव। तो ये ध्यान रखें कि जो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1971 में। तो इधर 1971 ऑप्शन नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, द लेंथ ऑफ द कालका शिमला रेलवे लाइन इज। ऑप्शन ए 90 किलोमीटर, 96 किलोमीटर, 100 किलोमीटर एंड 103 किलोमीटर। सो जो कालका शिमला रेलवे लाइन है ये 96 किलोमीटर लंबी है, तो इसका बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और इसका जो काम चला था 1903 में ये इसका काम चला था, और 1906 में पहली ट्रेन जो शिमला आई थी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 46, कांगड़ा के किस कटोच वंशीय शासक ने सुजानपुर टीहरा की स्थापना करी थी? तो ऑप्शन है हमीरचंद, संसारचंद, अभयचंद और घमनचंद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, संसारचंद। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, विच विलेज इन हिमाचल प्रदेश इज रिप्यूटेड टू बी द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। ये तो मैक्सिमम बहुत ही बार क्वेश्चन आ चुका है कि हिमाचल प्रदेश में कौन सा गांव विश्व के प्राचीनतम लोकतंत्र के लिए विख्यात है? तो ये है मलाना गांव। तो इसका सीधा करेक्ट आंसर जो कि है कुल्लू में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। हिमाचल प्रदेश का कौन सा मंदिर भगवती चिन्मस्तिका के लिए प्रसिद्ध है? विच टेम्पल ऑफ हिमाचल प्रदेश फेमस फॉर भगवती चिंतमस्तिका। तो ऑप्शन है ज्वालामुखी, बगलामुखी, चिंतपूर्णी और ब्रजेश्वरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, चिंतपूर्णी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 49,
हिमाचल प्रदेश की किस जनजाति द्वारा परंपरागत नृत्य डंडारस किया जाता है? डंडारस इज द ट्रेडिशनल डांस इज परफॉर्म्ड बाय विच ऑफ द ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश? सो ऑप्शन है किन्नौरी, लाहौली, गद्दीज और ननौदेव। तो इसका करेक्ट आंसर है लाहौली, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। झूरी सॉन्ग इज़ वेरी पॉपुलर इन विच एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश? सिरमौर, महासू, बोथ, ए एंड बी एंड ननौदेव। तो झूरी हमारा एक सॉन्ग है वो सिरमौर और महासू दोनों में लोकप्रिय है, तो इसका सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ए एंड बी। सो क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, घंटाल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन लाहौल वैली इन द मंथ ऑफ जनवरी, जून, अगस्त एंड नवंबर। तो जो हमारा लाहौल घाटी में घंटाल उत्सव है वो जून महीने में हर साल मनाया जाता है, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में रेणुका मेला आयोजित किया जाता है? ये सभी को ही पता होगा कि सिरमौर में जो है रेणुका मेला मनाया जाता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, हाउ मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स आर एच पी? ऑप्शन है 2, 3, 4 एंड 5। तो ये भी सभी को ही पता होगा कि जो हमारे प्रशासनिक संभाग है वो है 3, मंडी, हमीरपुर और शिमला। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, इन विच ईयर द फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ हिमाचल प्रदेश इज कॉन्स्टिट्यूटेड? तो किस वर्ष हिमाचल प्रदेश की प्रथम विधानसभा गठित की गई है? ऑप्शन 1951, 1952, 53 या 54। तो ये की गई थी 1952 में, सो इसका बी इसका करेक्ट आंसर होगा। सो क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, इन विच ईयर प्रेजिडेंट रूल वॉज इम्पोज फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ हिमाचल प्रदेश? 1977, 1980, 1982, 1996। तो हिमाचल प्रदेश में जो पहली बार प्रेजिडेंट रूल लगा था वो लगा था 1972 से 1977 तक, तो इसका ए इसका करेक्ट आंसर होगा, 22 जून 1970 तक जो है पहला हमारा राष्ट्रपति शासन लगा था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल? हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक न्यायिकरण का चेयरमैन कौन है? तो है जस्टिस वी के शर्मा। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। सो 56 क्वेश्चन देखते हैं, एच पी पब्लिक सर्विस कमीशन इज एन, ऑप्शन है आपके पास संवैधानिक निकाय, सलाहकारी निकाय, इनमें से कोई नहीं। तो जितने भी हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन्स होते हैं ये एक संवैधानिक निकाय होते हैं जिसकी जो स्थापना है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सो इसका ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो 50 क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, एंशियंट नेम ऑफ कांगड़ा, ये भी सभी को पता होगा कि कांगड़ा को किस पुराना नाम क्या है, कुलुटा और डम्बर, त्रिगत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है त्रिगत, ये तीन नदियों का संगम है इसको त्रिगत कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश एज पर सेंस ऑफ 2011 इज 123, 132, 109 एंड 190। तो ये सभी को ही पता होगा 123 जो है हमारा जनसंख्या घनत्व है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी स्टेट शेयर बाउंड्री विद हिमाचल प्रदेश? जो ऑप्शन है 3, 4, 5 एंड 6। तो हिमाचल प्रदेश के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो वो लगती है 4 राज्यों की, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड, ठीक है। सो इसका बी इसका करेक्ट आंसर होगा। सो 61 देखते हैं, ओलंपिक गेम वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर? जो ओलंपिक गेम हमारी स्टार्ट हुई थी वो हुई थी 776 BC में, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम एशियाई खेल कहाँ पर हुए थे? मनीला, जकार्ता, नई दिल्ली, काठमांडू। तो प्रथम एशियाई खेल 1951 में हुए थे, वो नई दिल्ली में हुए थे। सो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सो फ्रेंड पार्ट वन में मैं इतने डिस्कस करूँगा, पार्ट टू में मैं मैथमेटिक्स और जो भी इसमें जितने भी क्वेश्चन बचते हैं वो मैं पार्ट टू थ्री में बनाऊँगा। सो प्लीज़ अगर आपको इस वीडियो में कोई क्वेश्चन गलत लगा हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।